अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है संडे तो मैं बना रहा हूँ व्लॉग बहुत टाइम के बाद, क्योंकि बाकी दिनों में मैं बिजी रहता हूँ इसलिए व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। सो आज मैं बना रहा हूँ व्लॉग बहुत टाइम के बाद। मुझे लगता है ईद से पहले मैंने व्लॉग बनाया था, तब से अब आज बना रहा हूँ। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए तो सबको थैंक यू। आज का व्लॉग क्या होगा? आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ बुआ के घर, हम सब जा रहे हैं। वहाँ है छोटा सा फंक्शन, फंक्शन क्या है वहाँ कैसे बोलूँगा, उनको कुछ खाने की चीज़ें लड़के वालों को भेजनी है, वो दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या भेजना है। सो ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा आज आपको इस व्लॉग में। और हाँ, एक और चीज़, मेरा नेफ्यू है जो कि छोटा सा नेफ्यू है जो कि दुबई में रहता है और वो मेरे सारे व्लॉग्स देखता है वहाँ पर और पसंद भी करता है उनको। सो उसके लिए भी मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। उसका नाम है ईसा। जहाँ मैं जा रहा हूँ वो उसका ननिहाल है। सो ईसा, दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। पहुंच गए हम बुआ के घर, देखते हैं क्या क्या तैयारियां चल रही हैं अंदर। सो पहले देते हैं हम असली चीज को नजर, क्या क्या तैयारियां चल रही है। देखो चल रही है तैयारियां। सारी सब्जियां हो रही है तैयार, क्यों हो रहा है तैयार। चलो चलते हैं अंदर, मेहमान भी आए हैं सारे। हेलो, से समथिंग ईसा, से माय नेम, से माय नेम। I will upload this on YouTube, okay? A few moments later. मैं निकल रहा हूँ बाहर, मुझे जाना है बेकरी वाले के पास, उसके पास लानी है मुझे रोटियाँ जो उन्होंने ऑर्डर दी थी। वो स्पेशल कुछ रोटियाँ होती है, मैं आपको दिखाऊंगा जो इनको भेजनी है लड़के वालों की। अब निकलते हैं। One eternity later. देखो मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये वाली रोटियां बेचनी है वहाँ। ये हो रहे हैं कबाब की प्रिपरेशन, इस धूप में काम कर रहे हैं। देखो फैन ऑन कर लिया मैंने, अब थोड़ी देर में रेस्ट करता हूँ, गर्मी बहुत है। बाहर भी देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ हो रही है और क्या क्या और करना है। सो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। 2000 years later. यही कंटिन्यू करेगी। सो अब आई मेन आइटम की बारी। सो ये है लेमन चिकन, जिनको इन डेकोरेटेड बास्केट्स में डालेंगे। देखो कम्प्लीट ही है। अब इसके ऊपर पहले चाट मसाला डाला और अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और कोरिएंडर। सो अब बारी आई रोगन जोश की, और साइड में ये कबाब भी रखे। रोगन जोश पहले इसमें डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कबाब किस में डालेंगे। रोगन जोश को देख के तो मुँह में पानी आ रहा है।
सो ये हो गई बास्केट्स तैयार। सो अब करते हैं हम खाने की तैयारी। खाना खाने का टाइम देखो 5:21। ये डल गया दस्तरखान। ये आया खाना, ये है मेथी और कबाब। बस बस इस वक्त हम सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहे हैं। ये आया दूसरा टमाटर नकीन, बस ये आई पनीर। हाँ देखो इसका अभी टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। पनीर का भी टेस्ट अच्छा है, इसको भी जल्दी से जल्दी फिनिश कर। ये है मेन आइटम दानवल कोरमा। यात्रा भी बस से फ्लड होनुत। सो करता मैं अब ये भी फिनिश। ओके हमने फिनिश, अब धोलेंगे हाथ, फिर से हैंड वॉश करेंगे। देखो सारा ख़त्म किया, त्रामी भी उठा ली इन्होंने। One eternity later. अच्छा अब हम यहाँ की फेमस मटका कुल्फी खाएंगे। देखो कितना कितने लोग हैं, देखो ये इसमें सारा कुछ होता है। देखो वो हो रही है हमारी पैक। पहले मैंने मट कुल्फिया बहुत सारी लेनी थी, इसलिए टाइम लग गया थोड़ा, और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर और वहीं पर खाएंगे।